देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पुलिस के कामों की हर जगह चर्चा हुई। ज्यादातर पुलिस के अच्छे काम चर्चा में रहे, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं सामने आती रहीं जिसने पुलिस वालों को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर दिया। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के घूरपुर से सामने आया है, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने फुटपाथ पर सब्जी लेकर बैठे सब्जी वालों की सब्जियों पर जीप ही चला दी। दरअसल दारोगा सुमित आनंद की शिकायत थी कि वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा था। फिलहाल साप्ताहिक बाजार में सब्जियों पर जीप चलाने वाले सब इंस्पेक्टर सुमित आनंद को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस प्रकरण का संज्ञान लिया है। उनकी तनख्वाह से ही ये पैसा रिकवर किया जाएगा, तो उनको अपनी गलती का एहसास रहेगा। और पुलिस की तरफ से बस ये है कि कल से जब यहाँ मंडी लगाए तो गोले बनवा दिए जाएंगे, उस गोले में बैठें, एक एक मीटर की दूरी बनाएं, अपनी सब्जी का लगाइए वहाँ पे दुकान, और उतनी जगह रखिए जिससे कि कोई आता है तो एक आदमी को अगर किसी को बीमारी है तो उससे दूसरे लोगों में ना फैले। तो इसका ध्यान आप लोग रखिए और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोई परेशान आपको ना करे। मैं अभी मौके पर जाँच कराई गई और क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच की गई, जिसमें बात निकल के आई है कि दरोगा जी द्वारा जो सुमित आनंद हैं उनके द्वारा लापरवाही की गई है। लापरवाही करने के दौरान चूँकि ये मंडी जो है बुधवार और शुक्रवार को लगना तय था, तो बृहस्पतिवार को जब ये मंडी लगी तो इनके द्वारा वहाँ पे घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद जब इनको लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और लोगों द्वारा हूटिंग की जा रही है, तो इन्होंने एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पर रौंदा। और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है, तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से, और विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है। थय संस्तुति भी की जा रही है कि इनको जनपदीय शाखा में न रखा जाए और अजनपदीय शाखा में इनको भेजा जाए और इनके वेतन से रिकवरी के लिए भी लिखा जा रहा है। कितने किसान को सर मुआवजा दिया गया है? अभी तकरीबन 11 किसानों को मुआवजा दिया गया है और शेष लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके नुकसान हुए हैं और उनके मुआवजे उनको प्रदान किए जाएंगे। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।